अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 5 कंटिन्यू है, दैट इज टिश्यूज, और हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। सिंपल टिश्यू की कुछ टाइप्स रह गई थी, तो वो अब हम पार्ट 2 में, लेसन नंबर 5 के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। 91 पे जी, इसकी जो दो टाइप है सपोर्टिंग टिश्यू की, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा टिश्यू जो है, इट इज फाउंड इन यंग स्टेम वेयर इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एलोंगेटेड एंड पॉलीगोनल विथ ट्रैपिंग एंड्स। और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, दीज आर थिक वॉल डेड सेल्स, वॉल ऑफ दीज सेल आर हेवली फिल्ड विद लिग्निन विच प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। कोलेनकाइमा जो है, ये जो यंग स्टेम होती है, न्यू जो स्टेम होती है प्लांट की, उसमें होते हैं और उसको जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके जो है टिश्यू लिविंग होते हैं, ठीक है, एलोंगेट होते हैं लंबाई में, और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं विद ट्रैपिंग एंड, इनका जो एंड है वो टैपरिंग एंड टैप हुआ होता है, ठीक है, बंद हुआ होता है। और दूसरी बात ये कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ये थिक वॉल्ड होते हैं, डेड सेल होते हैं, जो सेल वॉल वगैरह बाहर का आपकी ट्रीज की बनी है, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही बनी होती है। ये हैवीली फिल्ड होते हैं लिग्निन से, और ये जो है हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल को। ओके जी, कंपाउंड टिश्यू, अभी आपने सिंपल टिश्यू पढ़े थे, अभी आपने पढ़ने हैं कंपाउंड टिश्यू। तो कंपाउंड टिश्यू जो है, दीज आर द टिश्यूज विच आर कम्पोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू फाउंड इन द वस्कुलर बंडल आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड टिश्यू। ये जो है जी, एक सेल, एक ही किस्म के सेल से नहीं बने होते, ये मुख्तलिफ किस्म के सेल मिलकर काम करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास जाइलम और फ्लोएम भी शामिल है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को वस्कुलर बंडल कहा जाता है, ठीक है। जाइलम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं जी। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, फॉर एग्जांपल वेसल्स एंड ट्रैकीट्स। वेसल सेल्स आर शॉर्ट एंड वाइड एंड हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। दीज सेल्स आर डेड एंड होलो एंड ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। ट्रैकीट्स आर लॉन्ग सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। वाटर मूव अपवर्ड फ्रॉम ट्रैकीट्स टू ट्रैकीट्स। Xylem tissue is responsible for the transport of water and dissolved substance from root to the upper part due to the presence of lignin in the secondary wall of its cell. Xylem tissue also provides support to the plant body. Okay. यहाँ पे xylem tissue के बारे में लिखा हुआ है, इसमें दो किस्म के cell होते हैं, vessels और tracheids। vessels जो है सेल शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, थोड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, और जो फैले हुए होते हैं, और उनकी जो वॉल है ना, थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और ये जो है ना, ये डेड होते हैं और ये अंदर से जो है ना खाली होते हैं, ठीक है, और ये ज्वाइन हुए होते हैं ट्यूब की तरह, एक दूसरे के साथ ट्यूब की तरह जुड़े होते हैं। जबकि जो ट्रैकीट सेल है ना, वो जरा लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर की तरह होते हैं, ठीक है, और इनके एंड एक दूसरे के ऊपर आए हुए होते हैं, ठीक है, और जो है मूव करता है पानी, जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करता है ट्रैकीट टू ट्रैकीट, ठीक है, ट्यूब ट्रैकी, एक ट्रैकीट दूसरी ट्रैकीट तीसरी ट्रैकीट से पानी मूव करता जाता है। जाइलम टिश्यू जो है ना, पानी को ले जाने में, पानी की ट्रांसपोर्ट, प्लांट के अंदर पानी की ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है, ठीक है, जैसे कि रूट से पानी जो है वो ऊपर जो है, इतने आपने देखो कितने मीटर ऊंचे दरख्त भी होते ना, लेकिन उनके हर एक कोने में पानी पहुंच रहा होता है, और वो किसकी वजह से पहुंच रहा होता है, जाइलम की वजह से पहुंच रहा होता है। जाइलम के अंदर ट्यूब्स हैं, ट्रैकीट्स हैं, वेसल्स हैं, जो के पानी को ऊपर लेकर जाती हैं हर एक कोने में प्लांट के, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है, परंतु जाइलम टिश्यू की वजह से होती है। और ये जो है लिग्निन है, इसमें अंदर सेकेंडरी वॉल है इनके सेल के अंदर, और जो है ये सपोर्ट भी देता है प्लांट को, पानी की ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये सपोर्ट भी देता है। फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है जी? फ्लोएम टिश्यू जो है कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स का नाम याद रखना है कि जाइलम में क्या है और फ्लोएम में, तो फ्लोएम में जो है वो सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म हैज नो न्यूक्लियस, इनके प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता। दी एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड सीव प्लेट्स, और इसके जो है ना जो वॉल्स होते हैं उसके एंड पे जो है ना स्मॉल छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसको सीव प्लेट्स कहते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सीव सेल ट्यूब सेल। कंपेनियन सेल अकंपनी द सीव ट्यूब सेल, दे रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू सीव ट्यूब।
तो ये क्या करता है, फ्लोएम जो है वो फूड का काम, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से जो है वो फूड अकर जो है कहाँ से किस तरह जाता है, सीव ट्यूब सेल में जाता है, ठीक है। और ये कंपेनियन सेल जो है इनको साथ साथ सपोर्ट करते रहते हैं सीव ट्यूब को, और जो है वो पूरे जो है फूड जो है वो रेगुलेट करता है सीव ट्यूब के जरिए पूरे प्लांट बॉडी में। यहाँ देखें, ये आपको बड़ी प्यारी डायग्राम दी हुई है जाइलम और फ्लोएम की। ये देखें परफोरेटेड प्लेट, ये एंड पे आपको ये नजर आया है ना, ये ट्रैकीज हैं और ये फाइबर्स हैं, ये वेसल मेम्ब्रेन है। ये इसी तरह फ्लोएम को देखें, ये सीव प्लेट्स, ये सुराख, इसको सीव प्लेट कहते हैं। कंपेनियन सेल इनको जरा सपोर्ट देने के लिए होते हैं, ठीक है। और ये सीव एरिया है, यहाँ से फूड जो है ना अंदर जाता है, ठीक है, और मूवमेंट चलती है, फाइबर्स भी साथ में होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी ये लेसन कंटिन्यू है, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे।